अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी फैमिलीज के साथ बेहद खुश होंगे। जी तो आज की जो रेसिपी है इसमें हम बनाएंगे चिकन बिरयानी बहुत ही स्पेशल से वे में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो होने वाली है, तो इसलिए लाजमी एंड तक देखें। और साथ साथ नेक्स्ट है मैं इसमें कुछ टिप्स भी आपको बताती जाऊँगी, आप उनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे जब आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी बिरयानी जो है वो हमेशा बहुत ज़बरदस्त बनेगी और बिरयानी के ना तो चावल टूटेंगे और दाने दाने में फ्लेवर होगा। जी तो अब बनाने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें और ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और ये टोटली फ्री है। अच्छा जी, तो यहाँ पे सबसे पहले चिकन लिया है मैंने, ये तकरीबन 2 kg के राउंड अबाउट है। और इसमें नेक्स्ट जो है स्पाइसेस ऐड कर देंगे, नमक है और इसके साथ साथ गरम मसाला है, रेड चिली फ्लेक्स है, हल्दी पाउडर है और रेड चिली पाउडर है, ठीक है। तो ये ऐड कर देंगे और इनकी क्वांटिटी आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गई है, तो आप नेक्स्ट जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि जब आप बनाएं तो आपके लिए इजी रहे। अच्छा जी, ये है जी जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट है, ये 1 चम्मच ऐड कर दिया। इसके साथ साथ यहाँ पे येलो फूड कलर मैंने ऐड किया है ताकि चिकन में एक ज़बरदस्त सा कलर आ जाए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसमें येलो फूड कलर का इस्तेमाल किया है। टोटली ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें करें, लेकिन कर लें ऐड तो ज़्यादा ज़बरदस्त है कि चिकन में एक बड़ा ज़बरदस्त सा कलर आ जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैंने जो है वो लेमन जूस ऐड किया है। अगर लेमन जूस ना हो तो आप सिरके का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसमें, तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच जो है वो लेमन जूस इस्तेमाल किया है और अभी इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी तो अच्छे से मिक्स करने के बाद ये है जी चिकन की लुक। अब नेक्स्ट जो है इसे तकरीबन 30 मिनट के लिए एज इट इज़ ही रहने देंगे। आप रूम टेम्परेचर पे इसे रहने दें और 30 मिनट बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। अच्छा जी, चिकन जो है वो मैरिनेट हो रहा है, तब तक जो है हम क्या करते हैं, बादाम जो है इनका छिलका उतार लेते हैं। तो सिंपली मैंने क्या किए हैं, बादाम लिए हैं और इनमें नीम गर्म पानी ऐड कर दिया। तो नीम गर्म पानी जब आप ऐड करते हो इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए जो है वो इसी तरह एज इट इज़ ही रहने देंगे, तो इसका छिलका जो है वो बहुत आसानी से उतर जाएगा। तो अब आप ये चेक कर सकते हैं, तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने इसे नीम गर्म पानी में जो है वो उनको भिगो के रखा और नेक्स्ट जो है इनका ये जो छिलका है वो बहुत आसानी से उतर जाएगा। तो बादाम हम ऐड करेंगे लेकिन छिलके के साथ ऐड नहीं करना, छिलका उतार के नेक्स्ट जो है इनको ऐड करना। तो आप ये चेक कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसका छिलका जो है वो उतर जाएगा, क्योंकि मैं एक हाथ से रिकॉर्ड कर रही हूँ तो एक हाथ का ही यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लगेगा। लेकिन जब आप जो है वो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए इसका छिलका उतारेंगे तो बहुत आसानी से उतर जाएगा। तो अभी आप ये चेक कर सकते हैं किस कदर ज़बरदस्त सा जो है वो, बादाम तो होता ही ज़बरदस्त है। खैर तो ये जी हमने इसका छिलका जो है वो उतार लिया है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। जी तो चिकन को भी तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं, मतलब मैरिनेशन में इसके 30 मिनट हो गए। अब नेक्स्ट जो है मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है और इसे क्या करेंगे, कुक करेंगे। तो स्टार्टिंग के 10 मिनट्स आपने हाई फ्लेम पे कुक करना है। जी तो 10 मिनट हाई फ्लेम पे कुक करने के बाद ये है जी चिकन की लुक। अब नेक्स्ट जो है इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है मज़ीद, क्योंकि मुझे कम फील हो रहा था तो मज़ीद मैंने नमक इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे क्या करेंगे, कवर कर देंगे और 30 मिनट के लिए आपने इसे लो फ्लेम पर कुक करना है, ठीक है। कवर कर देना, 30 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करना है। जी तो 30 मिनट लो फ्लेम पे कुक करने के बाद ये है जी चिकन की लुक। अब आप ये चेक कर सकते हैं किस कदर ज़बरदस्त से वे में चिकन जो है वो अच्छे से कुक हो गया है। अब इसका पानी थोड़ा सा ड्राई करेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे। तो ये आप चेक कर सकते हैं, इसका पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है और ये है जी चिकन की लुक। अब नेक्स्ट जो है इसे मज़ीद कुक नहीं करना, चिकन अच्छे से कुक हो गया है और इसमें फ्लेवर्स जो हैं वो भी ऐड हो गए हैं। तो अब इसे क्या करेंगे, नॉर्मली मतलब सिंपली क्या करेंगे, हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और नेक्स्ट देखते हैं राइस बनाने का प्रोसेस, क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप की बिरयानी है तो राइस बनाने का मेथड भी डिफरेंट होगा। अच्छा जी, एक पैन लिया है, इसमें ऑयल ऐड किया है तकरीबन 3 से 4 चम्मच और इसमें नेक्स्ट जो है वो ज़ीरा और कड़ी पत्ता ऐड कर दिया है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये बिरयानी जो है वो स्पेशल टाइप की है तो इसमें कुकिंग प्रोसेस जो है वो भी डिफरेंट होगा, स्पेशल होगा। तो आप ये चेक कर सकते हैं, इसको 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें पानी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मैंने ये 1 ग्लास जो है वो पानी ऐड कर दिया है इसमें।
अब इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है नमक ऐड करेंगे, एक चम्मच जो है वो नमक ऐड कर दिया है, और इसके साथ साथ रेड चिली फ्लेक्स जो है उनको ऐड करेंगे। तो कहाँ गए रेड चिली फ्लेक्स, आ गए, ठीक है जी। तो दड़ा मिर्च भी हम इसे कहते हैं, तो ये ऐड कर दी है, और इसके साथ एक बहुत ही स्पेशल अज्जा ऐड करेंगे, चाइनीज़ सॉल्ट, ठीक है। ये मैंने एक चम्मच ऐड कर दिया है। अगर आपके पास चाइनीज़ सॉल्ट नहीं है तो आप नेक्स्ट जो है इसमें चिकन पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो इससे बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। जो राइस है ना उनमें भी बहुत मज़े का फ्लेवर ऐड हो जाता है, तो ये लाजमी ऐड करें, एक छोटी सी टिप है आपके लिए। तो इसे ऐसे कुक करेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। अच्छा जी, चिकन जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो गया है, और नेक्स्ट जो है इसमें मैं चिकन के पीसेस जो है ना इनको सेपरेट कर लूँगी, और जो नेक्स्ट जो मसाला है उसको एज इट इज़ ही रहने देंगे, लेकिन जो चिकन के पीसेज हैं उनको सेपरेट कर लेंगे। मेन बात, आपने ये मसाला वेस्ट नहीं करना, नेक्स्ट जो कुकिंग प्रोसेस होगा वो इसी में ही होगा, बिरयानी का जो हम कोरमा बनाते हैं वो इसी में ही बनाएंगे। तो आप ये चेक कर सकते हैं, मैंने चिकन पीसेस जो है इनको सेपरेट कर लिया है, और ये है जी नेक्स्ट हमारा मसाला। इसको वेस्ट नहीं करना, मैं फिर से बता रही हूँ, इसके अंदर बहुत फ्लेवर्स हैं, तो आपने इसे वेस्ट नहीं करना। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट जो है मैं तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो है वो ऑयल ऐड करूँगी। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन राइस में ऑयल यूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, ठीक है। तो ये मैंने 3 से 4 चम्मच जो है वो ऑयल यूज़ किए हैं, तो आप ये चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, ऑयल ऐड करने के बाद इसे क्या करेंगे, ज़रा अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जो साइड पे मसाला लगा हुआ है हमारा, ठीक है, उससे भी ज़रा अच्छे से क्लीन कर लेंगे। एंड नेक्स्ट जो है इसमें ऐड करेंगे टमाटर, ठीक है। बिरयानी बना रहे हैं, टमाटर ऐड ना करें हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो जी यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं, ये टमाटर ऐड कर दिए हैं, तकरीबन 1/2 kg टमाटर हैं, और ये मैंने ऐड कर दिए, इनको इस तरह कट किया है और ये ऐड कर दिए हैं, ठीक है जी। अच्छा, टमाटर का अपना भी पानी होता है, तो आपने फ़िलहाल इसमें पानी ऐड नहीं करना, ये इसी पानी में ही कुक हो जाएंगे, तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए आपने इसे कुक करना है जी। तो यहाँ पे राइस जो बना रहे हैं इसमें हमने रेड चिली फ्लेक्स का यूज़ किया था, तो उसको ज़रा थोड़ा सा कुक करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, ताकि उनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इसलिए मैंने 1 ग्लास 1 ग्लास पानी ऐड करके इसे ज़रा अच्छे से कुक कर लिया। जब 1/2 ग्लास रह जाता है पानी का, तो ऐड किया जाता है, और ये पानी जो है वो आपने ऐड करना है राइस की क्वान्टिटी के अकॉर्डिंग। मेरे पास राइस जो थे वो 1 kg थे, मतलब 3 ग्लास बनते हैं वो, ठीक है। तो मैंने 4.5 ग्लासेस जो है वो पानी का इस्तेमाल किया है इसमें, मतलब 4 ग्लास और 1/2 ग्लास और, ठीक है। तो यही आपने हिसाब रखना है, 3 ग्लास चावल थे मेरे पास और 4.5 ग्लासेस जो है वो मैंने नेक्स्ट जो है वो वाटर यूज़ किया है जी। तो टमाटर को तकरीबन 5 से 6 मिनट कुक करने के बाद ये है जी टमाटर की लुक। अब नेक्स्ट जो है इसमें अभी ज़रा इसे थोड़ा सा मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे, और फिर इसमें नेक्स्ट जो है वो ऐड कर देंगे फ्राइड अनियन, ठीक है। आपने फ्राई किए अनियन ऐड करने हैं, तो तकरीबन 5 से 6 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज थे, मैंने इनको कट किया और नेक्स्ट जो है उन्हें फ्राई कर लिया, ठीक है। तो ये फ्राई किए अनियन ऐड किए हैं, और अब नेक्स्ट जो है इसे क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसके साथ साथ इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस, ठीक है। तो सबसे पहले ऐड करेंगे यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड किया है, ठीक है, और इसके साथ नेक्स्ट जो है वो रेड चिली पाउडर जो है, लाल मिर्च उसको भी ऐड कर देंगे इसमें, और इसके साथ साथ नेक्स्ट जो है इसमें ऐड कर देंगे नमक, ताकि जो हमारा कोरमा है इसमें भी बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर ऐड हो जाए। अब आपने क्या करना है, इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है, और जी इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसकी भुनाई करनी है, ताकि जो मसाला है वो ज़रा अच्छे से भुन जाए। तो तकरीबन 2 मिनट जो है वो 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई की है। अब नेक्स्ट जो है इसमें मैंने 1/2 कप पानी ऐड कर दिया है, ताकि ये जो टमाटर है ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, और इसके साथ साथ प्याज भी सॉफ्ट हो जाए, और एक ज़बरदस्त सी ग्रेवी बन जाए, ठीक है। तो आपने अब इसमें पानी ऐड कर देना, उसे तकरीबन 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करना है जी। तो 15 मिनट लो फ्लेम पे कुक करने के बाद इसको साथ साथ मिक्स भी करते जाएं, ठीक है। तो ये मैंने अब नेक्स्ट जो है इसमें ऐड कर दिया है बिरयानी मसाला। बिरयानी बना रहे हैं तो बिरयानी मसाला ऐड ना करें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये मैंने बिरयानी मसाला ऐड कर दिया है। अगेन सुन लें, ध्यान से नोट कर लें कि 15 मिनट जो आपने उसे कुक करना है ना, तो आपने लो फ्लेम पे कुक करना है, साथ साथ इसे मिक्स करते रहना है, ताकि ये अच्छे से ग्रेवी बन जाए, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे ये जो पानी मैंने ऐड किया था राइस बनाने के लिए, ये भी ज़रा अच्छे से बॉईल हो गया है, ये आप ये चेक कर सकते हैं किस कदर ज़बरदस्ती लुक लग रही है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है इसमें ऐड कर देंगे राइस ऐड करेंगे। तो चावल लिए थे मैंने 1 kg, इनको तकरीबन 30 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। भिगो के ही चावल बनाए तो ज़्यादा बेहतर होते हैं, अगर आप एज इट इज़ बनाएंगे तो चावल जो है वो ना तो ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब करते हैं और अच्छे भी नहीं बनते। तो इसलिए मैंने 30 मिनट पहले चावलों को भिगो दिया था, ठीक है। अब ये चावल ऐड कर दिए हैं।
अच्छा जी, चावल ऐड करने के बाद ज़रा अच्छे से मिक्स कर लें ताकि चावलों में नमक का फ्लेवर वगैरह ऐड हो जाए, ठीक है, और ये ज़रा अच्छे से क्लियर बन जाए। अब आपने करना क्या है, इसे कवर कर देना है और स्टार्टिंग के 10 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करना है कवर करके। जी तो 10 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक किया है, इससे क्या होगा, चावल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये छोटी सी टिप है कि आप स्टार्टिंग के जो 10 मिनट्स हैं उसे तकरीबन 10 मिनट के लिए कुक करें मीडियम टू हाई फ्लेम पे कवर करके। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है इसमें मैंने ऐड कर दिया है जर्दा कलर, येलो फूड कलर ऐड कर दिया है, ठीक है, और अब इसे कवर कर देंगे और मज़ीद 10 मिनट के लिए कुक करेंगे लो फ्लेम पे। जी तो 10 मिनट लो फ्लेम पे कुक करने के बाद ये है जी राइस की लुक। राइस जो है हमारे कुक हो गए हैं, ये ज़रा आप चेक करें कि किस कदर ज़बरदस्त राइस बने हैं। तो वो छोटी सी टिप थी कि जब आप चावल ऐड करें ना तो उस टाइम पे 10 मिनट आप स्टार्टिंग के जो है उससे मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करें कवर करके, और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो येलो फूड कलर ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, लो फ्लेम पे मज़ीद 10 मिनट के लिए कुक कर लेना है। इस तरह चावल जो है वो बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। अच्छा जी, अब आप ये चेक कर सकते हैं हमारे राइस जो है वो बिल्कुल रेडी हैं, और नेक्स्ट जो है इसमें ऐड कर देंगे वो जो बिरयानी का हमने कोरमा बनाया था इसको ऐड कर देंगे। तो आप ये चेक कर सकते हैं मैं ये ऐड कर रही हूँ। अच्छा, बिरयानी के जब भी कोरमा बनाए तो इसमें 2-3 बातें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं, उन्हें याद रखना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि ये ना तो ज़्यादा लिक्विडी फॉर्म में हो, ठीक है, और ना ही बहुत ज़्यादा थिक हो, ठीक है, तो ये इस कंसिस्टेंसी में हो तो सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जब आप राइस के अंदर रेड चिली फ्लेक्स का ऐड करते हैं, जैसे अभी हमने ऐड किया है, ठीक है, तो फिर आपको कोरमे में ज़्यादा स्पाइसेस ऐड करने की नीड नहीं होगी। अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस उसमें ऐड कर देंगे तो जो बिरयानी है वो थोड़ी स्पाइसी हो जाएगी, थोड़ी नहीं खैर ज़्यादा ही स्पाइसी हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2-3 टिप्स हैं, और इसके साथ प्याज जो है वो आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कर देना, मतलब जो है वो नॉर्मल क्वांटिटी ही ऐड करनी है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है इसमें ऐड कर देंगे चिकन, ऐड कर देंगे जो हमने कुक किया था। ये ज़रा देखें किस कदर चिकन की ज़बरदस्ती लुक है। तो जब आप नेक्स्ट जो है इसको सर्व करते हैं तो चिकन की यही लुक रहती है, वो चेंज नहीं होती। जब आप बिरयानी मसाले के अंदर ही चिकन को कुक करते हैं तो चिकन का कलर भी डार्क हो जाता है, ठीक है। तो ये छोटी सी टिप है, अगर आप सेपरेट चिकन को कुक करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त लुक आएगी। अब नेक्स्ट जो है इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं टमाटर कटे हुए, ठीक है, टमाटर का बहुत मज़े का फ्लेवर ऐड होता है तो इसे लाजमी ऐड करें टमाटर को। और इसके साथ साथ नेक्स्ट जो है मैंने ऐड कर दिए हैं ग्रीन चिली, टोटली ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें करें, अगर नहीं पसंद करते आप, आपकी फैमिली मेम्बर्स नहीं पसंद करते, ठीक है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके साथ नेक्स्ट जो है मैंने मेवे ऐड कर दिए हैं, और ये ऐड कर दिए ड्राई खुबानी, ठीक है, तो ये मैंने ऐड कर दी। और अब नेक्स्ट है इसमें हम ऐड करेंगे बादाम, जो मैंने बादाम का छिलका उतारा था ना, मैंने आपको बता भी दिया कि किस मेथड से आप इजीली उतार सकते हैं, तो वो मैंने बादाम ऐड कर दिए। तो बादाम लाजमी इनको ऐड करें, यही तो चीज़ है जो इसे स्पेशल बनाती है। और इसके टॉप से ऐड कर दिए हैं मैंने पुदीने के पत्ते, तो आप ये चेक कर सकते हैं। ये सभी अज्जा जो है वो मैंने ऐड कर दी है, एक लेयर लगा दी है। अब नेक्स्ट जो है इसे मैं क्या कर दूँगी, कवर कर दूँगी और तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करेंगे। जी तो 5 मिनट लो फ्लेम पे कुक करने के बाद ये है जी इसकी लुक। ज़्यादा कुक नहीं करना क्योंकि सभी चीज़ें ऑलरेडी कुक्ड हैं, चिकन भी कुक्ड है, राइस भी कुक्ड हैं, तो इसलिए आपने ज़्यादा इसे कुक नहीं करना। अब इसे क्या करेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप ये चेक कर सकते हैं किस कदर ज़बरदस्त सी बिरयानी जो है हमारी तैयार है। अब भी दिल कर रहा है ना देख के कि हाँ जी बस ये मिल जाए। तो आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लग रही है ना, और ज़रा सी भी अगर अच्छी लगी और कुछ नया सीखा हो आपने इसे, तो इस रेसिपी को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक कर दें, और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छा जी, अभी एक और छोटी सी टिप है, क्योंकि मैंने तो इसी टाइम पे आपको नेक्स्ट जो था वो इसकी लुक दिखानी थी, तो मैंने फ़ौरन से इसे सर्व कर दिया है। लेकिन आप इसे क्या करें, जब आप इसे मिक्स कर लें तो 10 मिनट के लिए कवर करके रखें, ठीक है। जब आप 10 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे उसके बाद नेक्स्ट जब इसे सर्व करेंगे, तो जो कवर करके रखते हैं ना आप, इससे इसमें मज़ीद फ्लेवर्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या करें, 10 मिनट के लिए कवर करके ही रखें। लेकिन मैंने क्योंकि आपको दिखाना था, अपनी व्यूअर को दिखाना था, तो दैट्स वाई मैंने क्या किया है, इसको फ़ौरन ही सर्व कर लिया है। तो लेकिन अगर आपने नेक्स्ट जो है अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए आप बनाएं, तो आपने क्या करना है, इसे 10 मिनट के लिए कवर करके रख देना फ्लेम ऑफ़ करके, ठीक है, फ्लेम ऑफ़ कर देना, फ्लेम ना ऑन हो। जी तो ये है जी बिरयानी की लुक, देखें किस कदर ज़बरदस्त बनी है। तो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें, और जी अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ अपनी एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।